अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी चांद रात, कल ईद है लेकिन आज हम चांद दिन भर सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि रात को बहुत रश होती है। एक तो उन लोगों ने हर रोड पे हर जगह बकरे खड़े किए हुए हैं तो जगह ही नहीं होती, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल गए शॉपिंग करने के लिए, थोड़ा सा ईद की गहमा गहमी देखने के लिए और उसके साथ आपको भी दिखाएंगे। बच्चों के कपड़े ले रहे हैं तो हम जा रहे हैं मार्केट, हम जा रहे हैं सदर। तो जी सदर हमारे घर से काफ़ी दूर है, एक घंटे का सफ़र हो जाता है जब रश होती है, ट्रैफिक जाम होती है तो इसकी वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी हम अपनी मंजिल के लिए जाने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, बादलों का डेरा है लेकिन गर्मी बहुत है, बादल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेकिन हवा नहीं है, गर्मी है, इसीलिए हम बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे बस कराची में जल्दी से बारिश हो जाए तो मौसम और भी बेहतर हो जाए और हमारी ईद अच्छी से गुजरे इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा आप लोग, आप सबकी जिन्होंने कुर्बानी की है अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे और जिन्होंने नहीं की इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह उनको कुर्बानी की तौफीक अता फरमाएगा। तो जी हम अपनी मार्केट पहुंच गए हैं, ये है सदर की ज़ैनब मार्केट। यहाँ पे बच्चों के बड़े ही आला क्वालिटी के कपड़े बहुत ही अच्छे रेट से मिल जाते हैं। ज़ैनब मार्केट बच्चों के कपड़ों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हम अक्सर यहीं से कपड़े लेते हैं। तो जी हमें लगी भूख, हम आ गए हैं लंच करने स्टूडेंट बिरयानी। तो जी ये हम स्टूडेंट बिरयानी का एम्बियंस आपको चेक करवा रहे हैं, काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अच्छा सा बना हुआ है, साफ़ सुथरा था, हमें बैठ के मज़ा आया। हम अपनी बिरयानी का स्टिल वेट कर रहे हैं, काफ़ी रश था इनके पास क्योंकि ईद का माहौल है, सब कोई घरों से बाहर निकला हुआ है और सब कोई शॉपिंग कर रहा है। बहुत ही लजीज मज़ेदार, और ये शेरोज़ का आ गया है जिगर बर्गर जो कि शेरोज़ मज़े से इंजॉय कर रहा है। हमारी बिरयानी अभी तक नहीं आई, हम उसका वेट कर रहे हैं, तब तक हम अब शेरोज़ को देख रहे हैं कि शेरोज़ किस तरह से मज़े से खा रहा है। हमें भी कह रहा है खाने के लिए लेकिन हम नहीं खा रहे क्योंकि हमें किराए के साथ बिरयानी को एंजॉय करना है, जो कि स्टूडेंट बिरयानी बहुत अच्छी है। मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं बिरयानी रिकॉर्ड कर नहीं कर पाई, तो इसीलिए माजरत खाऊँ। आप सिर्फ शेरोज़ का बर्गर देखें और उसके एंजॉय करें। तो जी वापसी में हम जब घर जा रहे हैं तो शायन ने अपना मूड जाहिर किया कि उसे कचौरी टेस्ट करनी है, उसने इससे पहले कभी कचौरी नहीं खाई तो हम लोगों ने उसे कचौरी लेके दी और वो खा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, बहुत इसको पसंद आई। और शायद ने कहा कि आगे से भी अब खाएगी। हमारे इलाके में ये कचौरी और पूरियाँ जो छोटी छोटी होती है ये कब मिलती। तो जी इसी के साथ हम अपना ब्लॉग ऐड करते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। इंशाल्लाह कल का ईद का व्लॉग, कुर्बानी वगैरह सब दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।